ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई सेड व्हेन आई फर्स्ट लुक एट दिस बाइक। सो आज हम बात करें जावा 42 बॉबर के बारे में। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड और बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन और इसके लुक्स के बारे में। पहले लुक्स 10 out of 10 लिटरली। आप इसको फर्स्ट ग्लैंस में आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और द कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग। द वाइट एंड रेड फिनिश गोज रियली वेल विथ दिस बाइक। जावा के डिज़ाइन हमेशा से सुंदर थे, उनके पुराने बाइक्स भी अगर आप देखो उनका एक अलग चार्म है। नो डाउट कि दूसरे कंपनीज के बाइक अच्छे थे बट जावा इज जावा, उनका एक अलग चार्म है। उनका जो कलर कॉम्बिनेशन आते थे वो अलग ही थे एकदम, और वो इस बाइक पे भी दिखता है। अगर आपको एक बॉबर बाइक चाहिए अंडर 5 lakhs देन आपके पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है और आपके पास बस दो ही चॉइस है और दोनों ही चॉइस जावा की ओर से है। पहला चॉइस आपके पास जावा पराग और दूसरा है जावा 42 बॉबर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जावा 42 बॉबर। लेट्स बिगिन विद द स्टाइलिंग फर्स्ट। अनलाइक पराग इसके लुक्स थोड़े मॉडर्न है, थोड़े न्यू टाइप के है। जैसे आपने पराग में देखा होगा वो थोड़ा ओल्ड स्कूल, थोड़ा ओल्ड वाइब टाइप का है। इसमें क्लासीनेस है बट विथ ए न्यू और ए फ्रेश लुक। ये उनके लिए ज़्यादा प्रिफरेबल होगा जो थोड़े मॉडर्न चीज़ें चाहते हैं या फिर जो अभी कॉलेज में है, और उनको ज़्यादा क्लासी भी नहीं चाहिए बट ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं चाहिए। ये मॉडर्न एंड क्लासी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। लुक्स कम्स डाउन टू पर्सनल प्रिफरेंस। अगर आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल बाइक चाहिए देन गो फॉर द पराग, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मॉडर्न देन द बॉबर 42 विल बी परफेक्ट फॉर यू। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इट्स द सेम 334cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन फ्रॉम द पराग व्हिच प्रोड्यूसेस 30.2 bhp एंड 32.74 nm ऑफ टॉर्क एंड कम्स विद एन 6-speed gearbox। ऑल द अदर इंजन रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस आर शोन इन द वीडियो। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन इसके फ्रंट्स में टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं एंड रियर में मोनोशॉक अब्जॉर्बर विथ 7-step एडजस्टेबिलिटी। एंड इन एडिशन इसके सीट बहुत कंफर्टेबल है और सीट को थोड़ा एडजस्ट भी किया जा सकता है आगे और थोड़ा पीछे डिपेंडिंग ऑन द राइडर नीड। हैविंग लिटिल बिट ऑफ एडजस्टेबिलिटी इज ऑलवेज गुड, इट नेवर हर्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग। इसके फ्रंट में 280mm एंड रियर में 240mm के डिस्क आते हैं एंड डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड। इन टर्म्स ऑफ टायर इसका फ्रंट 18 इंच का है और रियर 17 इंच का है और दोनों ही स्पोक है। स्पोक लुक रियली गुड इन दिस काइंड ऑफ बाइक बट रिमेंबर स्पोक टायर्स कम्स विद अ प्रॉब्लम व्हिच इज ट्यूब। इन केस अगर आपका टायर पंचर होता है देन यू हैव टू रिमूव द होल व्हील और फिर उसे फिक्स करना पड़ेगा बट इन टर्म्स ऑफ अलॉय ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अब बात करते हैं इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में। इसका सीट हाइट 750mm है, ये बहुत ही एक्सेसिबल सीट हाइट है और शॉर्टर राइडर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। प्लस इसका वेट अबाउट 175 kg है ड्राई बट यू विल नॉट फील द वेट बिकॉज द वेट इज बैलेंस सो वेल कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक 175 kg का बाइक है। प्लस इसका शॉर्टर सीट हाइट की वजह से आपके पैर इजीली फ्लैट होंगे जिससे आप इस बाइक को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। ये बाइक 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहला है मिथिक कॉपर, सेकंड है मूनस्टोन वाइट एंड थर्ड इज जस्पर रेड। आई पर्सनली लाइक द जस्पर रेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हिच वन यू लाइक। डिपेंडिंग ऑन द कलर तीनों के प्राइसेस में थोड़े डिफरेंसेस है, अदर देन दैट कोई डिफरेंसेस नहीं है। अनदर मेजर डिफरेंशिएटर बिटवीन पराग एंड द बॉबर 42 इज इट्स फीचर्स। लेट्स टॉक अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ESD वाला राउंड शेप LCD डिस्प्ले आता है जो आपको ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है बट अनलाइक ESD इसमें कोई भी ABS के मोड्स नहीं आते हैं नॉट यू कैन स्विच इट ऑफ। इसमें जो स्विचेस है ये भी ESD से बोरो किया गया है और इनके यूज़ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में चेंजेस ला सकते हो। सेकेंडली इसमें हाई लाइट्स LED है फ्रॉम इट्स हेडलाइट टू इट्स टेल लाइट
इट्स ऑल LED एंड इट ऑल्सो कम्स विद एन हैजार्ड लाइट। इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी है जो हैंडी होगा आपके लॉन्ग राइड्स में। सो हाउ इज द बाइक? द बाइक इज रियली गुड बट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। दिस बाइक इज नॉट फॉर एवरीवन। दिस बाइक इज मेंट फॉर दोज पीपल जिनके पास ऑलरेडी एक बाइक है और उन्हें और एक बाइक चाहिए फॉर राइडिंग, फॉर फन और फॉर देयर संडे राइड्स। क्योंकि इस टाइप के जो बाइक्स होते हैं ये सब होते हैं लाइफस्टाइल व्हीकल्स। ये आपके डेली यूजेस में आप नहीं ला सकते और दे आर नॉट दैट मच प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। दिस मशीन्स आर जस्ट लाइक सुपर स्पोर्ट। दे आर नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ बट दे आर गुड एट व्हाट दे आर मेंट टू बी डू। सो अगर आप उनमें से एक हो जिन्हें एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए और आप बॉबर टाइप के बाइक्स पसंद करते हो और सिंगल हो या ना हो दैट डजंट मैटर, इसमें एक्सटेंशन कर सकते हो, आप एक एडम सीट लगा सकते हो बट नॉट फ्रॉम द कंपनी, यू हैव टू परचेस इट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। बट इट इज़ पॉसिबल, ऑल दो आई डोंट रिकमेंड इट, इट लुक्स वेरी बैड, बट अगर आपको चाहिए यू कैन डू इट। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लेना है गो फॉर इट, द बाइक इज रियली गुड एंड थैंक्स टू जावा ESD Bongaigao फॉर प्रोवाइडिंग अस द बाइक। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट anything, इसके प्राइसिंग, इसके फाइनेंस और इसके अलग अलग जो भी आपको डिटेल चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। आई विल गिव दियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम मेकिंग ए कम्युनिटी ऑफ रियल गुड राइडर्स, राइडर्स हु आर पैशनेट अबाउट राइडिंग एंड लव राइडिंग। इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द कम्युनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।